वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह जी, जब मैंने पहला मैच किया 2000 में, आपको याद हो श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान गुजरांवाला में, मैं अपने अपने शहर में, ये सारे मैचेस हैं जो मैंने वर्ल्ड कप के फाइनल किए हैं, T20 के फाइनल किए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल किए हैं, PSL भी, IPL भी है, एशेज के मैच है, ये वो वाला जिसमें लारा ने 400 स्कोर किया, वाह वाह वाह, मैच में मैं खड़ा था, ये मुरलीधरन ने 408 से 409 विकेट लिए, हाँ जी, मुझे कॉलिन वुड को आउट किया उसने, ये मुझे याद है। ये तो वो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास होनी चाहिए, उनके पास नहीं है, दूसरी बात ये 434 चेज हुआ था जी जी जी, बिल्कुल वर्ल्ड रिकॉर्ड, बिल्कुल साउथ अफ्रीका ने किया था, साउथ अफ्रीका ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये भी इस मैच में भी मैं था, बहुत जबरदस्त 2011 का फाइनल भी हम देख रहे हैं। इसके अलावा ये मुझे और सैमन टाफो को अवार्ड मिले जो है अंपायरिंग टीम ऑफ द ईयर, ये 5 साल हुआ, 5 साल मुझे और उसको, ये किसी को लोगों को किसी को नहीं पता, बिल्कुल हाँ, ये मुझे और सैमन टाफो को मिले, उसके बाद ये बंद ही हो गया था, ये जी प्राइड परफॉर्मेंस मिला जी, और ये सितारा इम्तियाज पाकिस्तान की तरफ से मुझे मिले, और इसके बाद ये सारे जो मैंने टेस्ट मैचेस 100 और 200 ODIs इस वो शील्ड्स हैं माशाल्लाह। और ये दुनिया के आप जैसा मैंने शुरू में कहा पहले अंपायर है जिन्होंने 500 इंटरनेशनल मैचेस कंडक्ट किए, और ये जी, जी इसमें ये ICC के ये एशेज के मेडल्स हैं जो मैंने एशेज के मैचेस किए, ये अंपायर ऑफ द ईयर मैं 2009, 10, 11 ये 3 अवार्ड वो हैं जी इसमें, उसके अलावा ये सारे अवार्ड्स हैं जी, और ये कुछ प्लेयर्स ने मुझे बैट्स दिए हैं, ये भी कुछ मेडल हैं एशेज के जो पड़े हुए हैं, ये ICC ने मुझे दिए जो मैंने लास्ट एज एन एलीट अंपायर मैंने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच किया था, ये उनकी तरफ से, ये बाबर आजम ने बड़ा अच्छा था जेस्चर जी, उन्होंने पूरी टीम खड़ी होकर मुझे, बाबर आजम ने मुझे अपनी शर्ट दी, सबके साइन। आपको लास्ट मैच के अंदर वो बांग्लादेश और आयरलैंड का था जब एलीट पैनल के तौर पे तो गॉड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, वो भी बड़ी एक ज़बरदस्त मेमोरी थी, उसकी भी कोई चीज़ है उसकी मुझे अवार्ड नहीं है लेकिन मुझे पता नहीं है, मेरे ख्याल ये हाँ जी हाँ ये बिल्कुल ये पड़ी हुई बिल्कुल जी, ये उसकी बिल्कुल इसमें ये है। और फिर अगर हम देखें तो दुनिया के जितने भी बड़े लेजेंड्स हैं, अगर हमारा कैमरा मैन आपको ये कवर कर सके, ये पूरी चारों तरफ हम देखें तो शायद ही क्रिकेट फिटेनिटी का कोई ऐसा लेजेंड होगा जिसकी हमें पिक्चर नजर ना आए। इसके अलावा मैंने अपने शूज भी रखे हुए हैं जी, जिसमें वर्ल्ड कप के फाइनल और T20 के फाइनल्स मैंने किए हैं, और ये शूज हैं जी मेरे, ये भी मैंने रखा हुआ था, ये मैं समझता हूँ जब मैं थोड़ा सा बोर होता हूँ तो मैं अपनी गैलरी में देखता हूँ, बड़ा मैं एंजॉय करता हूँ। नहीं मेरा ख्याल है मैं काफ़ी प्लेयर्स के इंटरव्यू किए हैं और उनकी गैलरीज देखी है, इतनी बड़ी गैलरी, इतनी बड़ी प्रोलिफिक किस्म का सारे अवार्ड शायद ही मैंने किसी प्लेयर के कैरियर में नहीं देखे, जो माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने ब्लेस किया है, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है जी, बहुत ज्यादा। कोई प्लेयर मेरा ख्याल 23-24 साल मेरा ख्याल उन्होंने क्रिकेट भी नहीं है, सही है, सही है। और अगर इवन दो खेली भी है तो इतने अवार्ड तो इतना सब कुछ मेरा ख्याल है सेरेमोनियल चीजें किसी के पास नहीं होगी जिसकी अगर हम इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो आपने बात की कि मेरी वालदा की बड़ी ख्वाहिश थी मैं क्रिकेटर बनूं, और लेकिन जब उनकी डेथ होने से पहले कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि मैंने वालदा सॉरी किया, सॉरी अम्मी मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका, तो उसने मेरी वालदा ने मुझे दुआ दी कि तुम्हें जो इज्जत मिल रही है वो क्रिकेटर से भी ज़्यादा मिल रही है। क्या बात, मैं समझता हूँ उनकी दुआ बड़ी अभी भी। ये देखिए ये जो हम अक्सर हमारा ईमान और बात करते हैं कि वालदैन की दुआएँ डायरेक्ट जाती हैं ऊपर तक, और मेरा मानना ये है कि अगर आपके पेरेंट्स आपसे खुश गए हैं तो वो दुआओं का सिलसिला रुकता नहीं है, वो फिर आपका बाद में भी जाता है, वो भी नज़र भी आ रहा है माशाल्लाह कि जिस तरह पूरी कौम पूरी दुनिया, मेरा ख्याल है कि आप पाकिस्तान की वाहिद 2-3 शायद पर्सनालिटीज़ में होंगे जिनको पूरा पाकिस्तान प्यार करता है, शायद अगर मैं रिकॉल करूँ तो ईदी साहब का नाम आता है, आपका आता है, और वैसे प्लेयर तो सारे हमारे लिए बड़े ऑनरेबल है, बट कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सीज कोई ना कोई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिसमें कुछ पसंद करते हैं कुछ ना पसंद करते हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जब पूरा मुल्क पूरी दुनिया आपको चाह रही हो। बिल्कुल, इसमें मैं अरफा भाई स्पेशली कहूँगा अपने यंगस्टर्स को जो क्रिकेटर्स हैं कोई भी फील्ड में, जब आप कोई स्पोर्ट्स भी हो आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, जैसे आपने कंट्रोवर्सी की बात की, मुझे सबसे ज़्यादा मुझे अपने आप पर फख्र जो है कि अल्लाह का शुक्र मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, और अभी तक इंशाल्लाह रेस्ट ऑफ लाइफ भी ऐसी नहीं इंशाल्लाह रहेगी, तो सबसे बड़ी ये आज आप मुल्क के एम्बेसडर होते हैं, जब मुल्क के बाहर जाते हैं तो आप मुल्क का नाम आपकी वजह से होता है, ये माशाल्लाह आप उसका एक बड़ी बहुत बड़ी एग्जांपल है, और मेरा ख्याल है लाखों लड़के बच्चे जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, नॉट ओनली अंपायरिंग क्रिकेट के अंदर या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, आप एक ऐसे रोल मॉडल है जिसको फॉलो करके हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं, और ख़ासतौर पर जो अप्लाई काम कर रहे हैं
ये मेरा ख्याल है एक नेक्स्ट आपका जर्नी है जिसको हमें देखना भी चाहिए और उस पर काम भी करना चाहिए। जी, इसमें मैं एक बात करना चाहूँगा, मैं साइमन टाफल की बात करूँगा। ज़ाहिर किसी ने भी बात की हो तो वो उसको ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। साइमन टाफल ने मुझे कहा था क्योंकि अंपायरिंग में तुमने बहुत बड़ा नाम कमाया, और मैं समझता कम ही अंपायर जिसने अंपायरिंग में नाम कमाया, और लेकिन अब तुम ऐसा कोई काम कर जाओ कि वो अंपायरिंग की जो है ना तुम्हारी छोटी सी लगे। अब जब मैं फ्लाई कामों में आया, मुझे वाकई वो अंपायरिंग का जो है मैंने अवार्ड लिए वो छोटे से लग रहे हैं जो मैं काम करने जा रहा हूँ। ये मैं असल चीज़ है, वो इंसान की खिदमत है।